हे दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी का जिसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। आज हम लोग बात करेंगे बीएफ यूटिलिटीज़ का। बीएफ यूटिलिटीज़ का अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखो तो जो नेट सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर 30% से इंक्रीज हुआ है। ईबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन एंड टैक्स ये भी 39% से इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट ये भी 31% से इंक्रीज हुआ। अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर में कंपनी कितने रुपए कमाती है वो भी 31% से इंक्रीज हुआ है। यानी कंपनी मार्च 2022 में 5.67 रुपीज़ कमाती थी और अभी मार्च 2023 में 7.43 रुपीज़ पर शेयर कमाती है। अगर आप ये देखेंगे ये कंपनी का बिजनेस क्या है तो आपको पता चलेगा ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है विंड मिल के थ्रू, यानी विंड पावर जनरेट करने वाली कंपनी है। इसके अलावा कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेस में भी है। कंपनी का अगर रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो आपको ये पता चलेगा कि विंड पावर से कंपनी 95% रुपीज़ कमाती है और 5% इंफ्रास्ट्रक्चर से रेवेन्यू आता है। अब अगर इस कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1415 करोड़ है। पी 11.4 है। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये पी अगर जितना कम होता है उसका मतलब माना जाता है कि ये अंडर वैल्यूड शेयर है, और पी अगर बहुत ज़्यादा होता है तो माना जाता है ओवर वैल्यूड शेयर। आरओसी 32% है। अगर आरओसी ज़्यादा होता है तो माना जाता है कि कंपनी अच्छी है। कंपनी का बुक वैल्यू निगेटिव है, ये कंपनी के लिए निगेटिव न्यूज़ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास लोन ज़्यादा है। अगर इस कंपनी का 52 वीक हाई और लो देखें तो देखने मिलेगा 52 वीक का हाई 490 रुपीज़ है और लो 275 रुपीज़ है और अभी 376 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसका मतलब यह है कि कंपनी 52 वीक लो और हाई के बीच में ही ट्रेड कर रही है। आप अगर इस कंपनी का चार्ट देखें तो आपको देखने मिलेगा ये 200 डीएमए से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आपको ये देखने मिलेगा कि इस क्वार्टर में कंपनी का सेल्स 232 करोड़ का हुआ है। इसका मतलब यह है कि कंपनी 2020 के बाद जितना भी क्वार्टर हुआ उसमें हाईएस्ट सेल्स रहा है। लेकिन इस कंपनी का एक्सपेंस भी इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा हो गया। इसके वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कामकाजी मुनाफा ये 122 करोड़ है और नेट प्रॉफिट 53 करोड़ रुपीज रहा है। लेकिन फिर भी आप देखें कि 2020 से लेकर 2021 तक का जो क्वार्टर था इसमें लगातार ऑलमोस्ट निगेटिव रिजल्ट था, लेकिन अभी कंपनी का पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, वो भी अच्छा खासा पॉजिटिव आ रहा है। आप अगर इसका ईयरली रिजल्ट देखें तो इसमें भी आपको देखने मिलेगा कि जो कंपनी का सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी ये भी हाईएस्ट एवर है और कंपनी का नेट प्रॉफिट तो हाईएस्ट एवर है 257 करोड़। आप देखो 2022 में कंपनी का पॉजिटिव रिजल्ट था और इस साल तो बहुत बड़ा मार्जिन से पॉजिटिव है। ये कंपनी के लिए अच्छा न्यूज है। आप अगर इसका कंपनी का अर्निंग पर शेयर मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो आपको ये देखने मिलेगा कि कंपनी का लगातार 2012 से लेके अभी तक कभी भी इतना ज़्यादा अर्निंग पर शेयर नहीं रहा है, 33 रुपीज़ पर शेयर। इसका मतलब है कि कंपनी एक शेयर में 33 रुपीज़ कमाती है। अब अगर इस कंपनी का बोरोइंग्स यानी कंपनी कितना लोन लेके रखा है ये आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कंपनी जो है लोन आहिस्ते आहिस्ते कम कर रहा है। अभी लास्ट 2022 में कंपनी का लोन 1527 करोड़ था जो कि अभी कम होकर 1482 करोड़ हो गया है। ये शेयर होल्डर के लिए अच्छा न्यूज़ है। अगर कंपनी का आप टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि मार्च 2023 में कंपनी जो लोन बनाया था ऑलमोस्ट 285 के लेवल था, वहाँ से कंपनी लगातार इंक्रीज होकर 375 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी भी इस कंपनी के अंदर काफ़ी भी अपसाइड पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी जो इमीडिएट रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे है या वो यहाँ पे है। अगर यहाँ तक भी कंपनी अगर आपका शॉर्ट टर्म में पहुँचता है फिर भी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न दे सकता है। लेकिन आप अगर देखो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट है, कंपनी का सेल्स हाईएस्ट एवर है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट एवर है, कंपनी का आरओसी आरओई हाईएस्ट एवर है, तो ये कंपनी अपने जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ तक डेफिनेटली पहुँचेगा। और वो कितना था ऑलमोस्ट 535 के आसपास का था, 535-540 के आसपास था। और यहाँ तक अगर कंपनी पहुँचता है तो इस यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा 45%, जो कि एक काफ़ी डिसेंट रिटर्न होगा। इसलिए इस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। एज ए इन्वेस्टर आपको इस कंपनी के ऊपर नज़र बनाए रखना चाहिए। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।